देशात पुन्हा सरकार आले की राम मंदिरही उभारलं जाईल आणि नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणी काँग्रेसचे सगळे नेते जेलमध्ये जातील आणि त्यांची संपत्ती सुद्धा जप्त होईल असं विधान सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केलंय. पिंपरी चिंचवडमध्ये पार पडलेल्या दक्षिण भारतीयांच्या राज्य कार्यकारिणी बैठकीदरम्यान ते बोलत होते. यावेळी बोलताना त्यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना सर्कशीतला सिंह म्हणून संबोधलंय. एवढंच नाही तर पुन्हा एकदा देशाचं पुनरुत्थान करण्याची वेळ आली असून देशात कित्येक वर्षापासून कचऱ्यासारख्या जमलेल्यांना बाहेर काढण्याची गरज असल्याचं सांगत देशाला शुद्ध करण्यासाठी पुन्हा मोदींना निवडून देण्याचं वादग्रस्त विधान सुद्धा त्यांनी केलंय. मैं कहता हूँ कि उन्होंने दिया है उनके अखबारों ने और जो मैगजीन्स ने तो ये प्राइवेट कंप्लेंट क्यों नहीं डालते. जब ये पाया गया था उनके कांग्रेस के जो डीके शिव कुमार के घर में पाया गया था उसमें प्राइवेट कंप्लेंट क्यों नहीं डालते और कह देंगे आरोप है ये है. मैं कहता हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ. मैंने किया था जब ये पावर में थे. मैंने 2013 में नेशनल हेराल्ड केस डाला था तो इसके माने इनके पास सबूत नहीं है. ये सब बनावटी रिपोर्ट ने उस समय मैंने ये जो स्ट्राइक हुआ ना पुलवामा के बदले में वो नहीं हुआ था. मैं कभी सोचता ही नहीं था कि हम करेंगे. वो तो बन जाएगा. मुझ पर विश्वास करो. मेरी के मैं ही पिटिशनर हूँ और मूलभूत अधिकार पर मेरी ही बात चल रही है. 100% सरकार आने के बाद तुरंत ये होने वाला. सब जाएंगे अंदर. उनका सब संपत्ति भी छीना जाएगा.